निर्णय हुआ, आप सब लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, फिर सभी लोगों ने समर्थन किया, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी के एक सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी सबों ने मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और फिर से क्लेम हुआ और आज मुख्यमंत्री जी का सफल हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ था 1996 में, जब श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों ने मिलके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में। और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में रहे, 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं हुई। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। आप लोगों को आमंत्रित किया है हमने ये बताने के लिए कि कल एक निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के सभी विधायक, विधानसभा के सदस्य, सभी विधान परिषद के सदस्य, बंद कर लीजिए ना आप, पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबों को आमंत्रित किया था उन्होंने और सबों से उन्होंने राय लिया, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलके मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिया, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहाँ जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए उनके पूरी साजिश के खिलाफ। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय लीजिए हम लोग के साथ, उन लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा हम अपनी पार्टी के साथियों की राय से सहमत हैं और हम आज के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं रहेंगे। ऐसा विधायकों को, हमारे विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाएगा, एक बात बता देते हैं, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे,
आपका तो कुछ कुछ संबंध सब जगह है मनीष जी, पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। तो ये सब काम वो लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंट अब नहीं बचा। एक एक एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कौन एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करते। बोलिए आप। और इनकम टैक्स CBI और ED से हम लोग को क्या डर लगेगा? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हो? जितना ही भी CBI या ED लगाना है लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है, इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। उनको जितना ED लगाना है लगा ले।